हुँ? लाइट्स कम दिख रही है मुझे तो बताए लाइट्स ठीक कवर हो रही ठीक है अब मैं पढ़ा दूं ऑन करेगा अभी क्या ओके सो हेलो एवरीवन थोड़ा सा आवाज़ कम कर दो हेलो हेलो एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून थोड़ा आवाज़ बढ़ा कर दो बढ़ा दो ओके, सो गाइस वेरी गुड आफ्टरनून सो टुडे वी आर गोन स्टार्ट द न्यू सब्जेक्ट ऑफ सी इंटरमीडिएट एज पर मई 24 इस सब्जेक्ट का नाम है एफ एम एंड टुडे आई वुड बी स्टार्टिंग विद एसएम सो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये दोनों सब्जेक्ट का वेटेज जो एग्जामिनेशन में uh, 50 50 मार्क्स का एस एम विल है वेटेज ऑफ फिफ्टी मार्क्स एंड एफ एम विल है वेटेज ऑफ फिफ्टी मार्क्स दोनों का मिला सौ म का वेटेज है और ये वो सारे लोग जिनका अटेम्प्ट मे ट्वेंटी फोर में है उन सभी के लिए ये लेक्चर्स आज से अवेलेबल हो जाएंगे पहले कुछ लेक्चर्स विल बी देयर ऑन यूट्यूब और उसके बाद में ये लेक्चर्स सारे के सारे प्राइवेट एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे वंस यू गेट यूर रजिस्टर्ड दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट सी ए इंटरमीडिएट ग्रुप टू में है और ये बैच एडिशनल बैच है यू नो द मेन बैच जो जो हम लोग सोच रहे थे कि देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो मैं हमेशा से आ, ए, चेक करता हूं देखता हूं कि जो लोग जल्दी से बैच खत्म कर पाते हैं ना सो दे गेट इनफ टाइम फॉर द रिविजन अगर आप लोग को रिविजन को बहुत सारा वक्त जब मिलेगा तो आई थिंक इज अ बेटर पॉसिबिलिटी इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ यू नो क्लियरिंग सी ए इंटरमीडिएट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट हमारी जो और एक बैच है बीच गोन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट दिसंबर वो ऐसी बैच होती है कि जो ग्रुप वन खत्म हो जाने के बाद वाली दूसरी बैच होती है वो चालू होती है को। और वो दिसंबर जनवरी वो खत्म होती है फरवरी के आसपास बट दिस बैच इज गेटिंग कंडक्टेड ऑन गांड जहां पर स्टूडेंट्स का ये मानना है कि सर हम लोग को इतने दिन तक वेट करना ही नहीं है वॉट इफ यू वॉन्ट टू फिनिश द बैच अर्लियर अगर हम लोग इस बैच को सारे ग्रुप वन के साथ में ग्रुप टू के भी सारे बैचेस को दिसंबर के पहले सब कुछ खत्म करके इफ यू गेट इनफ टाइम फॉर द रिविजन अगर हमें चार महीने पांच महीने अगर मिल जाए तो हम लोग बहुत ज्यादा बार रिवाइज कर सकते हैं और इवन आई थॉट काम कर लेते हैं जिन सब लोगों को ये लगता है कि दे वांट टू फिनिश द बैच अर्लियर जिन लोगों को बहुत सारा रिवीजन करना है जो ज्यादा अधिक एफर्ट्स लेने को तैयार है यानी कि ग्रुप वन के सारे सब्जेक्ट के साथ साथ में वो एस के लेक्चर्स को देखना चाहते हैं इसका टाइम भले ही बारह बजे है हो सकता है कुछ अन्य बैचेस में अभी यहाँ पे ए, कहीं बिजी होंगे बट दिस बैच इज गेटिंग कंडक्टेड फॉर लाइव स्ट्रीमिंग एज वेल एज गूगल ड्राइव एंड ड्राइव यानी कि अगर आप बारह बजे रोज यहाँ पे बैच ना देख पाए नॉट एन इशू बिकॉज द सेम लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑन गूगल ड्राइव जहां पे आप इन्हीं लेक्चर्स को देख सकते हो यानी कि ये जो लेक्चर्स है वो अभी भी चल रहे जो रोज बारह बजे ऐसे कंडक्ट होते रहेंगे बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट देव अपियड फॉर जैसे कि आपने कहा अभी फॉर मे 23 और आपको अभी सेकेंड रूप देना ही नहीं है नवंबर 23 में क्योंकि आपको लगता है अननेसरी क्यों मेहनत करें तो आप मे 24 में आपको कितने सब्जेक्ट देना पड़ेंगे केवल दो कौन से एफ एम एस एम ऑर्डिट दो ही देना है आपको क्योंकि आपका अकाउंट तो एक्जेमटेड है और कॉस्टिंग वैसे भी एग्जेमटेड है तो मतलब आपको क्यों थकना है राइट तो आपने ये सोच लिया कि एकदम ये एक बेस्ट है मुझे लगता है आपकी स्ट्रेटेजी को मैं सराहता हूं मस्त प्लानिंग किया आपने कि चलो एक अटेम्प्ट जो नहीं देने के कारण अगर मुझे दो सब्जेक्ट डिडक्ट हो रहे तो इट्स बेस्ट आई एल गो फॉर मे ट्वेंटी फोर एंड ओनली फॉर टू सब्जेक्ट्स सो दोस्तों ऐसे अनेक विद्यार्थी होंगे जिनका एक्चुअल में दे आर एलिजिबल टू राइट इन द नवंबर ट्वेंटी थ्री एग्जामिनेशन बट दे डू नॉट टू टेक ऑफ एफर्ट्स बाई नो वर्किंग हार्ड अगेन फॉर एडवांस अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग एक काम करते हैं ना फिर इन सब सब्जेक्ट के बदले एक काम करते दो ही सब्जेक्ट देंगे यानी कि एफ एम एस एम देंगे और ऑडिट देंगे बस सो so, दोस्तों ये उन लोगों के लिए भी बैच है जो लोग जिन्होंने मे 23 दिया है एग्जामिनेशन पास हो गए ग्रुप वन और जो नवंबर 23 को बिल्कुल ऑप्ट नहीं करना चाहते मे 24 करना चाहते और जहां पे इन सारे बच्चों को केवल दो ही सब्जेक्ट देना पड़ेंगे वो है एफ एम एस एम एंड ऑडिट तो दोस्तों एफ एम एस एम सब्जेक्ट तो है ही और हम लोग फोड़ देंगे एंड इफ यू गेट इनफ टाइम टू स्टडी फॉर एफ एम एस एम एंड ऑडिट दो सब्जेक्ट इतना समय आई I मीन mean,

और मुझे जितने भी लोग इस समय क्लास uh, अटेंड कर रहे हैं मैं आप सभी को सराहाना चाहता हूं uh, क्योंकि आप लोग ग्रुप वन की क्लासेस भी कर रहे हो साथ साथ में आपने ये भी ठान लिया कि यार एफ एम एस एम भी साथ में कर लूं एंड सो दैट आई कैन फिनिश द कोर्स अर्लियर सो आई रियली यू नो अप्रिशिएट द वे यू गाइस आर हैविंग डेडिकेशन टुवर्ड्स सी इंटरमीडिएट कोर्स और जाहिर सी बात है जितना जल्दी कोर्स आप खत्म कर पाएंगे उतने नंबर ऑफ डेज आपको रिविजन के लिए ज्यादा मिलेंगे उतने ज्यादा आपके पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी सो गाइज आई थिंक विल स्टार्ट विद सिलेबस नाउ ओके हाँ जी ना ना ऐसा <laughs> कुछ नहीं होगा ओके सो लेट्स स्टार्ट यस एनी डाउट बेटा बुक्स तो डिस्पैच हो जाएगी डोंट वरी गरज नहीं hmm. कोई डाउट है कुछ है तो बता दीजिएगा और जितने भी लोग गूगल ड्राइव लिए हैं उन सभी को ही यही लेक्चर दिए जाएंगे सो so, आप लोग के लिए ऐसा है कि अगर मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट टू आवर्स दिस लेक्चर गेट्स अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन तो जो सारे लोग गूगल ड्राइव पे होते हैं उनको सभी लोगों को ये लेक्चर्स उसी समय पर देखने का अवसर मिल जाता है right? राइट so, सो फिलहाल पहले कुछ लेक्चर्स तो आपको यूट्यूब से देखना है तो चाहे वो गूगल ड्राइव है लाइव स्ट्रीमिंग है बिकॉज दिस लेक्चर विल रिमेन इन द सिस्टम फॉर लॉन्ग ओके मैं वही कह रहा हूं अगर आप कहेंगे सर हमारा जो लेक्चर है कुछ ग्रुपन का है उसके बाद क्लैश हो रहा है तो मैं वही कह रहा हूं हूँ एक तो वो लेक्चर गूगल ड्राइव में कर लीजिए वरना ये लेक्चर गूगल ड्राइव में कर लीजिए इट डिपेंड्स राइट नो मतलब ये सारे लेक्चर जैसे मैं रिकॉर्ड लूंगा लेक्चर तो वो अपने आप ही सिस्टम में अपलोडेड हो जाएगा सो यू कैन वॉच इट एज पर योर ओन कन्वीनियंस ये लेक्चर मैं कहता हूँ कि रोज एक सवा घंटे अगर हम लोग ऐसे में पढ़ते हैं तो इट विल नॉट बी अ बर्डन सम Uh, बहुत ही आसानी से हम लोग ये सब्जेक्ट कर लेंगे और इतना प्रैक्टिकल हम लोग पढ़ने वाले एस एम को यू मस्ट हैव सीन सम डेमो ऑन है तो आपको अंदाजा यही कि सब्जेक्ट हम लोग कितना माहौल बनाएंगे वी आर गोइंग टू मेक इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सभी लोगों को ये लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे जिन्होंने भी गूगल ड्राइव के लिए लिया है जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में पढ़ रहे हैं अभी सभी को ये लेक्चर्स मिलेंगे सर ये बैच कब तक चलेगा ये बैच चलेगा बट अभी स्टार्ट हो गया जाहिर बात है जो नया मैच हमारा स्टार्ट होगा इसके बाद विच विल स्टार्ट आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ फर्स्ट ग्रूप तो उससे तो बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा बिकॉज वो एक दिसंबर से स्टार्ट होगा और उसके बाद में वो चलेगा ढाई महीने तो लगभग दिसंबर जनवरी फरवरी मिड तक वो चलेगा तो इफ यू रियली वांट टू फिनिश इट सो अर्ली आप ज़्यादा मेहनत करने को तैयार है तो आपके लिए बेशक इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता एक सवा घंटे का लेक्चर होगा नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट ज्यादा बर्डन नहीं होगा आपके ऊपर ओके ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस। सो दोस्तों आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मैंने सारे डाउट्स को क्लियर किया है अब हम लोग शुरुआत करते हैं सिलेबस के साथ में जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सो दोस्तों एस के बारे में कुछ पढ़ा है पहले कुछ जानते हैं कभी पहले इसके बारे में सुना आप कहां से हो यूपी से हो रहा नोएडा यूपी वेरी गुड वेलकम बैक सो दोस्तों ये जो सिलेबस है ये पांच चैप्टर्स का सिलेबस है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इसका नाम है पचास मार्क के लिए एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और पचास मार्क एफ के लिए दिया जाता है और शुरुआत हम लोग एस से करेंगे काफी इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है थेरी सब्जेक्ट तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दिस सब्जेक्ट इज एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इतना मजा आपको आएगा इस सब्जेक्ट में आई एम वेरी श्योर अबाउट इट सो वैसे इस सब्जेक्ट के नाम से क्या लगता है किस बारे में होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यानी कि क्या करेंगे इट्स अबाउट बिजनेस कुछ तभी बिजनेस के बारे में तो आपकी सोच सही है जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में भी दिख रहे हैं क्या आपको भी ये लगता है कि ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं हर रोज कितने लेक्चर्स होंगे कितने होंगे मतलब क्या एक ही लेक्चर होगा और कितने घंटे होंगे बस एक से लेकर डेढ़ घंटे के बीच वाला पीरियड होगा ठीक है अभी पहले आप सारे डाउट्स बाद में पूछेंगे अभी ध्यान दीजिएगा में okay. so, uh, ये subject जो है ना वजह से आपको ये समझेगा कि आखिर कैसे करना चाहिए बिजनेस uh, you know, आप जानते हैं कि बहुत लोग बिजनेस करते हैं पर हर किसी को एक जैसी सफलता नहीं मिलती द सो मेनी पीपल बिजनेस करने का अंदाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड दिस सब्जेक्ट विल टीच यू कि आखिर कैसे हमने स्मार्ट तरीके से बिज़नेस करना चाहिए देखो बच्चों बिज़नेस तो बहुत लोग करते हैं बहुत लोग बारह चौदह घंटे मेहनत करते हैं पर सब किसी की जो कामयाबी है वो एक जिससे नहीं होती बिकॉज इतना ही फ़र्क होता है कोई एस के साथ बिजनेस करता है और कोई बगैर एस के करता है एस के साथ जो लोग बिज़नेस करते हैं वो लोग बहुत आगे जाते हैं बारह घंटा एक ऑटो वाला भी बिज़नेस करता है बारह घंटा एक ग्रोसरी शॉप वाला करता है बारह घंटा मैं बिज़नेस करता हूँ बारह घंटे वो किश अंबानी बिजनेस करते हैं पर सब किसी का जो सक्सेस है वो एक जैसा नहीं बिकॉज धंधा हमें नहीं बदलना है धंधे करने के तरीके बदलना है यही ये सब्जेक्ट सिखाता है कि हाउ टू चेंज द बिजनेस हो सकता है हम लोग ये सब्जेक्ट करने के बाद में uh, वही बिजनेस करेंगे जो हमारे मम्मी और पापा के हैं हमारे भाई के बिजनेस है वही बिजनेस हम लोग करेंगे बट उस बिजनेस करने का अंदाज़ इतना बदल देंगे कि हम लोग उसी बिजनेस से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे ये बिजनेस ये सब्जेक्ट आपको स्मार्ट तरीके से बिजनेस करना सिखाता है और मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इस सब्जेक्ट को बहुत सालों से पढ़ना चालू किया इट्स बिन नाउ अराउंड टेन ईयर्स आई बीन स्टडिंग दिस सब्जेक्ट तो जो कुछ आज मैंने एस नाम का एम्पायर क्रिएट किया है उसमें सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इस सब्जेक्ट का है बिकॉज दिस सब्जेक्ट हैज गिवन मी ऑफ ऑफ न्यू वेज डूइंग द सेम बिजनेस इस सब्जेक्ट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि बिजनेस कैसे रन होता है तो ये सब्जेक्ट वाकई में हर किसी इंसान ने पढ़ना चाहिए जो सी ए कर रहा है जो सी ए नहीं कर रहा है बिल्कुल इसकी बातें हर किसी हर किसी बिजनेस वालों को बताना होना चाहिए अगर मैं तो सोचता हूँ कि अगर आपको अगर आप बिजनेस कर रहे हो और अगर आप एस एम नहीं पढ़ रहे हो तो शायद से हो सकता है आप अपना बहुत सारा पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे तो इसीलिए मैं आपसे इतना ही दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप ये एस एम पढ़ रहे हो और इतना प्रैक्टिकल हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी बातें जनहित में जारी करेगा आप सब लोगों के साथ में इसकी बातें डिस्कस करें हो सकता है आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स के साथ में आपके ब्रदर सिस्टर यू शुड मेक इन्फॉर्मेशन ऑफ एस एम अवेलेबल टू एवरी वन ताकि लोग को समझे कि बिज़नेस कैसा किया जाता है हर कोई इंसान जिस तरीके से बिज़नेस करता है उसको लगता है वो जिस तरीके से कर रहा है वही बहुत अच्छा तरीका है बट ऐसा नहीं होता बिज़नेस करने का ढंग एस एम से सीखना बहुत ज़रूरी है एंड आई एम वेरी श्योर इतना नॉलेज आप प्राप्त करोगे

एक टिकाहूंगा देखता हूं, हूं दोस्तों दे तो की दुनिया में सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन कौन है तो आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है हम लोग तो ऐसे में पढ़ रहे ना इनके बारे में क्यों जानना है कि कौन रिच बना है कैसे बना है तो अगर हम लोग देखते हैं यहां पे हमारे साथ में सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये 2023 का लिस्ट आपके सामने है टॉप टेन रिचेस्ट पर्सन इन दर्ल्ड सबसे पहले आप जानते हो बंदे की जिसका नाम है मस्क क्या आप जानते हैं कौन सा बिजनेस करता है क्या करता है ये बंदा ये, टेस्ला है, ये स्पेसिक्स है और हाल ही में इन्होंने ट्विटर को भी अकवार किया आप सभी जानते हैं काफी सुर्खियों में रहता है बंदा और बहुत सारी चीजें करता रहता है काफी बार इनका नाम जो है वो बिटकॉइन के साथ भी जोड़ा जाता है एलन मस्क आप सभी जानते हैं ये टेस्ला के ओनर हैं ये दुनिया से बहुत अलग सोचते हैं यूनिक सोचते हैं और जिसकी बदौलत उनकी कंपनी का वैल्यूशन इतना ज्यादा है दोस्तों एलन मस्क के पापा जी दादा जी कोई भी पैसे वाले नहीं थे आप सभी जानते हैं एक जिंदगी में एक कुछ सालों में अपने बिजनेस का इतना वैल्यूएशन बनाना ये आसान काम नहीं है हिसम अगेन यूनाइटेड स्टेट्स और सबसे बड़ी बात अगर आप थोड़ा सा देख लेंगे तो वर्ल्ड के टॉप टेन रिचे पर्सन में से अगर देखेंगे तो अब यूल फाइंड मैक्सिमम ऑफ देम आर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स अब देख रहे हैं एक ही आपको फ्रांस का दिख रहा है बाकी सब यूएस आखिर क्या करते हैं वो धंधा नहीं बदलते धंधे करने के तरीके बदलते हैं वो सब लोग एस को यूज़ करते हैं और हमें ये सब्जेक्ट में यही पढ़ना है कि आखिर ये लोग करते क्या है ऐसा क्या कुछ अलग करते हैं जिसकी वजह से ये इनका बिजनेस इतना अलग करता है पता है अगर मान लो कि एस नाम का को कोई मंदिर है तो ये मंदिर के भगवान की मूर्त है मतलब ये ये भगवान है अगर एक सब्जेक्ट है एक मंदिर है तो इन सारे लोगों को हम लोग भगवान कह सकते हैं इन्होंने तो ये इनकी ही ये इनकी बातें जो प्रैक्टिकल करते हैं वो हमारे सब्जेक्ट में थे बोल के लिख कर आता है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सब्जेक्ट थेटिकल है तो मैं कहता हूं ये सब्जेक्ट थेटिकल नहीं इट इज हंड्रेड परसेंट प्रैक्टिकल बिकॉज लोग इसको यूज करते हैं लोग इसको यूज करते हैं और बाद में हमारे किताब में इसको छपवाया जाता है तो आप देख सकते हो आपने कभी बर्नान के बारे में सुना होगा ये एलवी एलवी के ओनर है लुवी विटॉन के ओनर है यू मस्ट अबाउट एलवी एलवी क्या आता है बहुत महंगी फैशनेबल uh, चीजें बनाता है जैसे बेल्ट हो पर्स हो इनकी पर्स की कीमत तो आप जानते हो ये तो मतलब वेरी uh, एक्सपेंसिव सोचो बिजनेस करने का अंदाज होता है हम मार्केट में जाते हैं 200-300 रुपए की जब कोई पर्स बोलता है उसमें भी से भी हम लोग बार्गेनिंग करते हैं कि भैया इससे और कम लगा दो पर सोचो यहां पे जब ये पर्स आती है ना देखो मैं यहां पे दिखा दो एल वी पर्स ये लोवी वेटॉन का ब्रांड है और मैं आपके एल वी के बैग ले लेता हूं मैं और इसकी प्राइसिंग आप देख सकते हो और ये प्राइसिंग देखने आती है इट इज रियली शॉकिंग और हमें समझ नहीं आता कि आखिर लोग इतनी महंगी चीज होकर भी कैसे उसको इतना ज्यादा चार्ज करते फिर भी उसको लोग लेते हैं

दुनिया वालों को दिखाते हैं देखो मैंने एल को यूज करना है तो इस तरह से इतना ये सब चीजें जो है आप देख सकते कीमत देखो टू लाख एटी फाइव थाउजेंड इसका देखो पर्स का वैल्यूशन फोर लाख फोर्टी थ्री थाउजेंड दिस बैग्स आर सो एक्सपेंसिव एंड इट इज कॉल्ड स्टेटस सिंबल जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं वो चाहते कि उनके पास में एल का ब्रांड हो सो so, दोस्तों मैं आपको इतना ही समझा रहा हूँ कि इस बंदे ने धंधा नहीं बदला धंधे करने के तरीके बदले सोच बदली और मैं हमेशा सोचता हूं कि इंसान अपने मेहनत से नहीं अपनी सोच से आगे बढ़ता है तो जिसकी सोच अलग होती है वो धंधे में बहुत अलग जाता है और सोच आने के लिए आपको एस एम पढ़ना बहुत जरूरी है तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे। आपके सामने तीसरी बात इनके बाद तो सब लोग जानते हैं जेबिजॉस इज द ओनर ऑफ अमेजोन हर कोई बंदा जानता है क्या आपने अमेजॉन का इस्तेमाल कभी किया है आज हर कोई बच्चा भारत में है जो रहते हैं और स्पेशली यूथ जो है ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने इस ब्रांड को यूज नहीं किया अमेजॉन आप सभी जानते हैं अमेजन ऑल्सो स्टार्टअपनेस इन इंडिया बताएंगे अमेजॉन ने क्या एक्वायर किया इंडिया में अमेजॉन ने कोई ब्रांड एक्वायर किया इंडिया में इंडिया के अंदर अमेजॉन ने कौन सा देखते हैं लाइव स्ट्रीमिंग वाले क्या बोलते हैं क्या इंडिया में अमेजॉन ने कुछ एक्वायर किया अच्छा सर तो हमें पता नहीं है चलिए तो एक बार बताओ मुझे अमेजॉन जो है आज की तारीख में क्या वो फ्लिपकार्ट से ज्यादा चलता है या फ्लिपकार्ट से कम ज्यादा चलता है ज्यादा कम आज देखते हैं हम लोग दोस्तों मार्केट शेयर की बात कर लेते हैं देखते हैं ई कॉमर्स मार्केट शेयर ई कॉमर्स मार्केट शेयर मार्केट शेयर इन इंडिया 22 की बात कर लेते हैं अमेजॉन लिखता हूं मैं, तो मैं फ्लिपकार्ट देखते हैं क्या लिख रहा है भारत के सबसे बड़ी दो वेबसाइट्स हैं। अगर मैं जब भी ई कॉमर्स की बात करता हूं तो भारत के अंदर दो बड़े ब्रांड्स थे फ्लिपकार्ट अमेजन है वेटेज ऑफ अराउंड सिक्सटी परसेंट मार्केट शेयर सोचो एक जमाना था फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट चलता था पर ये सभी अमेजॉन जो जेब जेबिजॉट जो है ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है एंड उन्होंने ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी इंडिया में लाई एंड आप सभी जानते हो पूरा के पूरा फ्लिपकार्ट का मार्केट शेयर इन्होंने खा लिया और आज अमेजॉन जिसका मार्केट शेयर जीरो परसेंट इंडिया में था आज वो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मार्केट शेयर बताता हूँ अमेजॉन आप देखते हो फ्लिपकार्ट मार्केट शेयर फोर्टी एट परसेंट लास्ट ईयर अमेजॉन वॉस ट्वेंटी सिक्स परसेंट और जो कि अमेजोन जीरो परसेंट पे था आज अमेजोन ने कितना सारा मार्केट शेयर फ्लिपकार्ट से हासिल कर लिया सो so, दोस्तों ये ये जो लोग हैं, ये पूरा के पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं एंड uh, अब सभी जानते हैं एस की वजह से ये लोग अपना बिजनेस बहुत अलग लेवल पे चलाते हैं सो so, और एक बात मैं कहना चाहूंगा यहां पे नंबर फोर लैरी एल्सन आप सभी जानते होंगे इनके ओराकल के बारे में औरकल के बारे में सुना कभी? ओरैकल इज एन आईटी कंपनी ये आईटी के अंदर इनका काम है वैल बफेट के बारे में तो आपने सुना होगा बर्गशील हाथवे के बारे में सुना होगा ये ऐसे हैं कि ये खुद के बिजनेस से ज़्यादा दूसरों के बिजनेस पर पैसा लगाते हैं एप्पल कंपनी के अंदर इनका स्टेक है कोका कोला के अंदर स्टेक है बैंक ऑफ अमेरिका अंदर स्टेक इनका इन्वॉल्व है वैल बफेट नाम इनका बिल गेट्स तो आप सभी जानते हो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है लैरी पेज गूगल सर्जरी ब्रीन गूगल मार्क जकर जानते कौन है फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इसके सबके ओनर हैं और आज सोशल मीडिया के किंग माने जाते हैं मार्क जकरबर्ग सो so, दोस्तों ये जो लैरी पेज है ये सर्जरी ब्रीन है ये सब लोग है कौन एक आम आदमी है और सबसे बड़ी बात मैं जितना जानता हूं इनमें से किसी का भी कोई भी गॉडफादर नहीं है एट द एज ऑफ 35 मार्क जकरबर्ग ने जो अपना नाम किया है वो शायद से वर्ल्ड में किसी ने भी नहीं किया होगा तो दोस्तों ये सारे लोग जो है ना ये सारे के सारे लोगों ने बिजनेस करने को जो समझा है इट इज डिफरेंट लेवल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सही इस्तेमाल करके इन्होंने बिजनेस को बहुत ही ज्यादा आगे पहुंचाया हुआ है। so, सो ऐसा है सर uh, इनके बारे में आपने जब कहा तो वाई डिड बी टॉक अबाउट दैम इनके बारे में हमने इसलिए कहा बिकॉज हमें सीखना है कि इन्होंने बिजनेस कैसे किया अब जरा इनकी वैल्यूएशन देखिए एक काम कर लेते हैं इनका वैल्यूएशन निकालते हैं टू 244 फोर बिलियन डॉलर का नेटवर्थ है एक बिलियन का मतलब होता है आठ करोड़ सॉरी आठ हजार करोड़ एट थाउजेंड करोड़ का वन बिलियन डॉलर होता है तो आप एट थाउजेंड को मल्टीप्लाई कर लीजिए टू फोर्टी फोर से विल अंडरस्टैंड की वैल्यूएशन कितना कितना हो, कितना हो रहा है भाई साहब कितना हो रहा है यानी कि 244 को अगर मैं 8000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो न जाने कितना हो रहा है कितना हो रहा है ये बहुत बड़ी फिगर है आप 8000 को मल्टीप्लाई कर दो तो 244 से दैट्स इट 8000 थाउजेंड मल्टीप्लाई टू फोर्टी फोर हजार उन्नीस लाख बावन हजार करोड़ ये फिगर आ रही है 19 लाख बावन हजार रुपए नहीं बोल रहा हूं मैं उन्नीस लाख बावन हजार और उसके ऊपर करोड़ के सात जीरो लगा दीजिए तो उन्नीस लाख बावन हजार लिखना है उसके ऊपर सात जीरो लालना है उतनी से इंसान की नेटवर्थ है तो दोस्तों मैं वही कह रहा हूं आप लोग को ये सब्जेक्ट जो है पढ़ते समय अगर आपको ये लग रहा है कि मैं सिर्फ एस एम पढ़ने के लिए यहाँ पे हूँ मुझे 50 मार्क्स चाहिए तो आपको इस सब्जेक्ट की क्लास लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ये सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो ना आपके दिमाग में कुछ ऐसा चलना चाहिए कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बनना है मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है अगर आपकी सोच बड़ी ना तो इस सब्जेक्ट से आप पूरा लुटा के जाओगे बिल्कुल इतना मजा आएगा ना आपको कि आपको हमेशा फील होना चाहिए और मैं कुछ तो भी खास करना चाहता हूं तो दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू मेक लॉर्ड ऑफ इंपैक्ट मैंने कई लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखा है आप सभी लोगों ने इंडिया में एक स्टार्टअप के बारे में सुना होगा बताएंगे इंडिया का सबसे फेमस स्टार्टअप कौन सा होगा चलो मैं देखता हूं यहां पे कि इंडिया के टॉप टेन फेमस स्टार्टअप कौन से कौन से हैं टॉप टेन सक्सेसफुल इसे ठंडा करो है सक्सेसफुल स्टार्टअप इन इंडिया आपके साथ में दिख रहा होगा आपको यहां पे आ, इन्होंने पेटीएम के नाम लिखे हैं फ्लिपकार्ट है ओला लिखा है क्रेड लिखा है ग्रो लिखा है ड्रीम इलेवन मिशो भी लिखा है और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट कह दू क्या बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट सबसे आगे कौन है टॉप टेन प्रॉफिटेबल ये देखना ध्यान से देखना ये जो डेटा आपके बहुत काम में आएगा यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा जोहो की कमाई देखिएगा टू सेवन फोर नाइन करोड ये स्टार्टअप है इंडिया का साढ़े सत्ताईस सौ करोड़ का प्रॉफिट है जीरो था आपने कभी निखिल कामत का नाम सुना होगा निखिल कामत इज द फाउंडर और जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम जानते हो मनुष्य चिल्लर एक कोई चलो देख लेते हैं इसको देखो पैसा भी मिलेगा छोरी भी मिलेगी पर आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा जिंदगी में निखिल कामत भाई साहब आपको कुछ बताना पड़ेगा ना आप है कौन निखिल कामत देखो नीचे कुछ आ रहा है नाम लिखे होए क्या बोले इनके बारे में हुँ? ये निखिल कामत ये है मनुश्री ये कामयाबी है बॉस और मुझे लगता है ये दुनिया जो है ना वो कामयाबी को सलाम करती है कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि जिंदगी में कैसे कुछ लोग बहुत उनको सब कुछ मिलता है बहुत मेहनत होती है और सिर्फ मेहनत करने वालों को ही बिजनेस में सफलता नहीं मिलती आप समझिए इस बात को निखिल कामत जैसे कई लोग जो धंधा कर रहे हैं जो शायद से उनसे ज़्यादा मेहनत किए होंगे रोदा नाम का जो एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद में शेयर मार्केट में जिन्होंने बबाल मचाया है ऐसा निखिल कामत जिनकी कंपनी का एक साल का मुनाफा दो हजार करोड़ है तो सब मनुष्य की क्या बात कर रहे हो आप अरे यार कमाल कर तो एक छोटा सा बच्चा है निखिल कामत इसकी एज ऐसा वो इज नॉट और कोई गॉडफादर नहीं है भाई ये देख लीजिए आप ये बहुत कुछ आपको सीखने जैसा है 1986 born in, 36 निखिल कामत समझने की बात है वोस. आज हमें बहुत कुछ सीखना है इन लोगों से कि कैसे इन्होंने किया बार कैसे कड़े किया सो निखिल कामत 36 सिक्स ओल्ड, आप सभी जानते हैं आज भारत के जब मोदी जी के साथ में यूएस में जब मीटिंग होती है तो इन सारे स्टार्टअप में से सिर्फ और सिर्फ निखिल कामत को वहां पर इन्वाइट किया जाता है आइए देखते आपको बहुत कुछ सीखना है दिस इज वेरी मच मोटिवेशन फॉर एवरी वन मोदी निखिल कामत मीटिंग देखना ये देखो और यहाँ पे मैं और डालता हूं अब देखो जीरो देखो क्या लिखा है जीरो द सीईओ निखिल कामत टॉक्स अबाउट यूएस इंडिया टेक टाइस अरे मुझे समझ नहीं आ रहा इस बंदे की इज्जत देखो इसको कहाँ बिठा दिया कौन ही है ये सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े टाइकून्स आए हुए वहां वह पे और वहां पे निखिल कामत को बिठा दिया कौन बंदा ये थर्टी सिक्स ओल्ड बंदा यहाँ पे उसको इतने सारे बड़े लोगों के मीटिंग में बिठा दिए ध्यान से देखिए वहां पे सुंदर पिचाई देख रहे हो देख रहे हो हमें सीखना है बहुत कुछ ऐसे वैसे नहीं होता है आज वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग वहां पे सुंदर पिचाई जैसे लोग हैं वहां पे ये देखो सारे आपको बड़े बड़े लोग दिखेंगे और ऐसे लोग के बीच में जब आपको ले जाते देखो कौन बिलगेट्स और बिलगेट्स के बाजू में निकल गया को बैठा टू अंडरस्टैंड गाइड्स ये सारे जो काम है ना अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आपको एस एम सब्जेक्ट से बहुत मोहब्बत होना जरूरी है लोग कहते हैं मुझे अकाउंट्स पढ़ना है लोग कहते हैं मुझे ऑडिट पढ़ना है टैक्स पढ़ना है सब कुछ पढ़ना है भाई धंधा ही नहीं तो क्या टैक्स करोगे आप अगर धंधा ही नहीं तो क्या अकाउंट्स करोगे एस एम सब्जेक्ट आपका बिजनेस बढ़ाएगा और बिजनेस का ही तो अकाउंट्स कर पाओगे बिजनेस का ही तो टैक्स भर पाओगे और बिजनेस करोगे तो ही कॉस्टिंग कर पाओगे अगर आपका बिजनेस ही नहीं चल रहा है फॉर एग्जाम्पल एसपीसी क्लासेस ही नहीं चल रही तो किस बात का टैक्स भरना है मुझे और किस बात की अकाउंटिंग करना है मुझे और अकाउंटिंग ऑडिट किस बात का करना है सो so, हर कोई चीज का कामयाबी जो है ना वो एस से शुरुआत होती है अगर आपका एस है तो बिजनेस है और बिजनेस है तो फिर टैक्स फिर ऑडिट फिर अकाउंट सब कुछ है तो इसलिए इस सब्जेक्ट की जान बहुत ज्यादा है इसका वेटेज सारे सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है तो वो एसएम का होता है आप लोग को Uh, ये सभी जानते हैं हैव यू हर्ड अबाउट दिस गाय जानते हैं इसको? कौन तो नहीं है कभी जेप्टो सुना है क्या करते हैं जेप्टो क्या है ये कितनी एज है उसकी कितनी उम्र है आपकी देख लीजिए क्या लिख रहा है और आप जानते हो क्या सत्रह साल की उम्र में बिगेन हिज बिजनेस करियर बेन यू वॉज जस्ट सेवेंटीन ईयर्स ओल्ड हम्म इंटरेस्टिंग नो धंधा सब लोग करते हैं जेप्टो तो का वैल्यूएशन देखिए क्या कर रहे हो क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर लोग अब सी ए बन के कितना पैसा कमाओगे भाई सोच मैं सी ए करूंगा मैं पांच छह लाख कमा लूंगा भाई साहब इसके बाद देखिए 1.4 बिलियन डॉलर की कंपनी बना है। एट थाउजेंड करोड़ का एक बिलियन डॉलर बनता है ग्यारह हजार करोड़ की कंपनी बनाई छोटे से बच्चे ने ही जस्ट ट्वेंटी वन नाउ जेप्टो हाल ही में इसको फंडिंग मिला है ये लेटेस्ट खबर है पच्चीस अगस्त दो सौ मिलियन डॉलर का फंडिंग मिला इसको यूनिकॉन बन गया है इंटरेस्टिंग गाइस ओके तो गाइस, नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रोल ऑफ एस एम इन ऑल दिस ये सारे जो बिजनेस जो आप देख रहे हो ये बिजनेस को बड़ा बनाया है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ने ये सारे लोग एसएम का सब्जेक्ट यूज करते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं आज मुझे इस सब्जेक्ट को चालू करने से पहले आपको बताना था कि इस सब्जेक्ट की औकात क्या है इस सब्जेक्ट की औकात बहुत ज्यादा है इस सब्जेक्ट का दायरा बहुत ज्यादा है आई I मीन mean, आप जितना पढ़ सकते हो इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा इस सब्जेक्ट का कोई अंत नहीं है हर रोज इसके बारे में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ आता है एंड आई एम वेरी श्योर आप लोग ये सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में आपको हर रोज महसूस होगा कि यार मैंने कुछ तो बहुत अच्छी चीजें सीखी है विच इज नॉट ओनली हैविंग सम कनेक्शन विद स्टडीज बट मैं कुछ जिंदगी में सीख रहा दोस्तों चलो एक काम करते हैं मैं आपसे पूछता हूं यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सम कंपनीज जिनका पहले नाम बहुत था पर अब नाम नहीं है हैव यू हर्ड अबाउट नोकिया क्या एम्बेसडर कार का नाम सुना है क्या आपने बी एस एन एल का नाम सुना है ये वो सारे कंपनी थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ नाम के एक जमाने में मोबाइल मतलब सिर्फ नोकिया था और सिम कार्ड मतलब सिर्फ बी एस एन एल था और कार मतलब सिर्फ एम्बेसडर कार थी और कैमरा यानी कि सिर्फ कोडा कैमरा हुआ करता था सोचो क्या से क्या हो गए देखते थे। ये एक जमाने में अपने फील्ड के बादशाह हुआ करते थे और आज इनका नाम कहीं से कहीं तक भी नहीं है इट्स ओनली बिकॉज यू डू नॉट चेंज यूर सेल्फ एज पर चेंजिंग एनवाइ जिन लोगों ने अपने आप को समय के हिसाब से नहीं चेंज किया जिन्होंने एस का इस्तेमाल नहीं किया दे बिकेम आउटडेटेड आपने कभी यहां पर देखा होगा एक देख लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूं ये आपको दिखा रहा हूं कोडैक और आपने फुजी फिल्म सुना होगा जिंदगी का पहला कैमरा कोडाक हुआ करता था चाहे आप कितना भी चाहे आप कितना भी अच्छा बिजनेस करो वो खराब हो सकता है ध्यान से देखना इस डायग्राम से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा ध्यान से देखिए कोडैक है देखो एक जमाने में सिर्फ कोडैक ही कोडैक हुआ करता था आज कोडैक नामो निशान नहीं है बिकॉज कोडैक डिड नॉट अंडरस्टैंड कि बिजनेस करते कैसे आपने सभी ने कोडेक के बारे में सुना होगा कि कोडैक के बारे में आपने सुना था कि पहले कैमरा आता था उसमें रोल हुआ करता था और फिर रोल से दूस टू तो कैप्चर द इमेजेस यू नो वेरी वेरी एक्सपेंसिव मेथड इनको समझा ही नहीं एक्चुअल क्या था कि कैमरा भी इनका ही था और रोल आ रहा था उसमें रोल और रोल भी उनका ही था तुमको लगा कि चलो अपना अगर हम लोग कभी डिजिटल में आएंगे तो अपना रोल बिकना बंद हो जाएगा उसी का फायदा उठाए फौजी फिल्म ने बोले रोल वोल की जरूरत ही नहीं लेट्स गो डिजिटल और पूरा रोल का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया और अब लाया इन्होंने उन्होंने फौजी फिल्म डिजिटल और आप देख सकते हो कोडेक किधर गया और फौजी फिल्म कहा चला गया यही होता है मैं आपको यह समझा रहा हूं कि ऐसे में आपको समझाता है कि कैसे हाउ आर सपोज टू चेंज यूर सेल्फ एस पद चेंजिंग एनवायरमेंट एक जमाने में आप जानते हो यहां पर देखिएगा नोकिया सेल्स दिखते हैं नोकिया एक जमाने में केवल और केवल सिर्फ नोकिया ही नोकिया था आप जानते हो मेरे लाइफ के सारे फोन जो पहले थे मैंने सिर्फ नोकिया नोकिया यूज किया पर उसके बाद में आप जानते हो नोकिया की हाल क्या हो गया इधर देख लीजिए इसलिए हर इंसान को एसएम के बारे में पता होना बेहद जरूरी है ध्यान से देखिए कहां से कहां पहुंच गए आज तो नोकिया का नामो निशान नहीं क्या आपके पास नोकिया फोन है था आपके पास में है नहीं कोई लाइव स्ट्रीमिंग में है जिनके पास नोकिया फोन था जी नहीं नोकिया फोन जो है दे 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 हैव हैव नॉट चेंज चेंजिंग आप सभी जानते हो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पता होना जरूरी है कई लोग अपना बिजनेस बहुत बड़ा बनाते हैं पर वो बिजनेस चकनाचूर हो जाता है इफ डू नॉट चेंज यूर सेल्फ एज पर देंजिंग एनवायरमेंट तो इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों इस सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ना इतना मजा आपको आएगा कि कैसे हमने बिजनेस को आगे ले जाना चाहिए अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं अभी हाल ही में हमने बात की है आप सभी जानते हो जियो के बारे में आप बताइए कोई जियो कब आया था आप जियो टेलीकॉम यूज करते हो कब आया था जियो दो हजार सोलह के आसपास कितना मार्केट शेयर होगा आज उसका सौ में से कितने लोग जियो का इस्तेमाल करते होंगे सौ में से कितने लोग जियो का अभी और भी कंप्यूटर्स हैं इनके एयरटेल है आइडिया hmm, वोडाफोन है जियो का मार्केट शेयर कोई बताए कितना हो सकता है क्या बताओगे जियो का मार्केट शेयर कितना क्या आप बता सकते हो जियो का मार्केट शेयर कितना यहां पे कुछ लोग कह रहे सर सेवेंटी फाइव परसेंट ओके और कोई कुछ कहना चाहेगा हम्म हम्म दो हजार सोलह सत्रह सेवेंटी फाइव परसेंट तो गलत आंसर है जियो का मार्केट शेयर ये रहा आपके सामने यहां पे आप देख सकते हो जियो का मार्केट शेयर टेलीकॉम मार्केट शेयर एज अराउंड व्हाट फोर्टी वन परसेंट भारत देश के अंदर सौ में से अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे आगे और अगर देखता हूँ मैं थोड़ा सा आगे इसको मैं थोड़ा सा ऑगस्ट कर देता हूं विल तो गेट क्लियर कट इंफॉर्मेशन कितना बोल रहा है जियो टेलीकॉम लिखता हूँ मैं कंफर्टेबली थर्टी एट पॉइंट वन सेवन और अगर आप इसका ट्रेंड में देखता हो चार्ट तो आपको समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कहाँ से कहाँ पहुंचा जी इसने जो अपने आपका माहौल बनाया ना ये अलग ही लेवल का है अच्छा डेटा है मेरे पास में दिखाता उसको टेलीकॉम मार्केट शेयर यहां पे दिख रहा है क्या वैसे सिंस सिंस 2016 एक hmm. जमाना था जहां पे कहा गया चार्ट जिसकी थी मुझे तलाश ओहो 2016 से चाहिए था मुझे कुछ गलत सर्च कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ ना आगे नहीं रहा यार पता नहीं टेलीकॉम मार्केट शेयर तो मैं आपको दिखा रहा था जियो टेलीगोमार्केट शेयर इसका चार्ट दिखा रहा था मैं आपको ये तो आना चाहिए अभी हम्म hmm. ये देख लीजिए हाँ आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस एक बार ये चेक करो आपको समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं सो so, ध्यान से देखना भी। क्या हो गया क्या आपको 2016 में कहीं जियो नजर आ रहा है दो हजार में नहीं दो में क्या आपको अचानक से जियो दिख रहा है 11 परसेंट फिर 27 परसेंट फिर 33 परसेंट फिर 38 परसेंट और आप सभी जानते हो आज उससे भी ज्यादा मार्केट शेयर लेके बैठे सो so, ये सब कुछ और आप देख रहे हो साथ साथ में कुछ कंपनीज की बर्बादी भी हुई है अगर जियो बढ़ा है तो कुछ लोग की बजा कर आगे बढ़ाए आप लोगों ने थोड़ा सा देखना चाहिए जो आदर्श का परसेंटेज है यानी कि आदर्श यानी कि आपके एम टी एन एल बी एस एन एल ये सब जो है इट वॉज बिकम ओनली नाइन और आप और एक चीज देख सकते हो जो आपको दिख रहा होगा वोडाफोन आइडिया वॉज थर्टी नाइन नाउ इट बिकेम ओनली ट्वेंटी वन क्या आप मुझे बता सकते हो कि मोटा भाई ने कौन सा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इस्तेमाल किया जिसकी वजह से जियो इतना आगे पहुंचे क्या किया उन्होंने वॉट वॉज द स्ट्रैटेजी द स्ट्रैटेजी वॉज वॉट क्या बता सकते कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया और आज जियो यहां पर पहुंचा है? क्या किया उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने फ्री दिया वो इंडिया में फ्री का लालच लगाया और वो भी अच्छा स्पीड का फ्री दे रहा है इसका मतलब नहीं कुछ भी बेचा फ्री भी दिया और वो भी अच्छे क्वालिटी का 2016 में जब जियो को लॉन्च किया गया है, तो जियो ने जब भारत में 2010 में टू जी भी का नहीं चल रहा था तब जाके मुकेश भाई ने भारत के गड्ढों में फाइबर ऑप्टिक केबल को घुसेड़ना चालू कर दिया जो फोर जी के फाइबर ऑप्टिक केबल थे यानी कि जिस समय जियो लॉन्च हुआ तब ऐसे लॉन्च हुआ कि चारों को उन्हें चित्त किया यानी कि किसको समझ में भी नहीं आया कि आखिर हमारे साथ में गेम क्या हुआ वोडाफोन आइडिया जो एक जमाने में एक दूसरे के राइवल हुआ करते थे हे टू कम टूगेदर उनको मर्जर करना पड़ा बिकॉज मोटा भाई ने ऐसा स्ट्रैटेजिक प्लान किया सो so, दोस्तों अभी क्या है ना हमें यह समझना जरूरी कि कौन सी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये जो भी हमने किया अभी इट वॉज नथिंग बट अ बेस्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जिसकी वजह से हम लोग इतना कुछ अच्छा कर पाए जियो के अंदर सबसे पहली बात तो उन्होंने 4G को लॉन्च किया फिर वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया तो क्या आपको लगता नहीं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक आप, ये जो भी था इट वॉज अ स्ट्रैटेजी और ये सारी स्ट्रैटेजी कौन सिखा रहा है ये एस एम सब्जेक्ट आपको सिखाएगा यानी कि ऐसा इसका मतलब ये नहीं था कि वोडाफोन आइडिया अच्छा काम नहीं कर रहे थे बट सही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है राइट right टाइम पे और आप देख सकते हो कितना सक्सेस में उसका इंपैक्ट होता है आदत लगा दी अफोर्डेबल किया so दोस्तों आज हम लोग यही समझना चाह रहे कि SM का होता है जी हुए। ये पांच है और हर, हर टॉपिक दस दस मार्क के लिए एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा ये है पांच टॉपिक्स आपके लिए और बहुत ही अच्छे से आईसीआई ने सिलेबस को डिजाइन किया हुआ है बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी इसमें बहुत ही लेटेस्ट कंपनीज के सब आपको डेटा यहाँ पे देखने मिलेंगे तो अभी हम लोग शुरुआत करते एक ऐसे छोटे से कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है जिसका नाम है एनसॉफ्ट एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसका नाम है एनसॉफ आइए देखते हैं। बिल्कुल आज एकदम आराम से सॉफ्टली शुरुआत करते हैं धीरे धीरे मैं आपको बहुत आगे ले जाऊंगा बहुत अंदर लेके जाऊंगा इस सिलेबस के Mm -hmm. यहां पे देखिएगा अगर आपके बिजनेस को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो देर तो आर ऑलवेज टू मेथड्स एक होता है आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करो और एक होता है कि वही प्रोडक्ट को नए एरिया में नए ज्योग्राफिकल एरिया में ले जाओ उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट सो so वेनएवर अगर मुझे एसपीसी को अगर आगे, आगे ले जाना है तो एक तरीका होता है कि मैं एसपीसी में और नए सब्जेक्ट्स लेकर आऊं या फिर इन्हीं सब्जेक्ट्स को मैं नए जगहों पर लेके जाऊं तो देर आर ऑलवेज टू पे इसलिए कहते हैं एक प्रोडक्ट और एक मार्केट मार्केट यानी कि नया एरिया में जा रहे हो प्रोडक्ट यानी कि नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो यहाँ पे जरा फोर वेज यहाँ पे आपके सामने चार तरीके दिख रहे होंगे जिसके द्वारा आप अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हो सबसे पहली बात तो आपको लिख रहा होगा यहाँ पे सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट आपको दिख रहा होगा यहां पे आप कहेंगे सर सेम ही प्रोडक्ट है सेम ही मार्केट है तो एक्सपांशन कैसे हो सकता है नाउ द तो क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन में पूछा गया है एनसॉफ्ट के हिसाब से अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो तो आपके पास में दो तरीके होते हैं एक तो नया प्रोडक्ट लेके आओ या फिर नया मार्केट लेके आओ पर यहां पे जो पॉइंट दिख रहा है यहां पे तो प्रोडक्ट भी सेम ही है और मार्केट भी सेम ही है तो फिर आप कहेंगे ये कैसे बिजनेस एक्सपांड हुआ तो दोस्तों मार्केट पेनेट्रेशन में कहते हैं सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट थोड़ा सा चेंज करके आप ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो जैसे कि एग्जाम्पल लेज का नया फ्लेवर जब भी कोई चिप्स के पैकेट में नया फ्लेवर आता है ना वो सेम ही प्रोडक्ट होता है पूरा चिप्स तो सेम ही होता है आलू तो सेम ही होता है पूरा प्रोसेस तो सेम ही होता है जैसे लेज इंडिया में ही पहले सॉल्टेड बेच रहा था अब सॉल्टेड के हैं टोमेटो फ्लेवर लेकर आ जाए या फिर मान लो और इंडियन मैजिक मसाला लेकर आ जाएगा क्या किया इसमें पूरा के पूरा प्रोडक्ट सेम ही है मार्केट भी इंडिया का ही है थोड़ा चेंज करके जो लोग सॉल्टेड नहीं लेते टोमेटो लेंगे और जो टोमेटो नहीं ले रहे होंगे वो इंडियन मैजिक मसाला लेंगे समझ में आ रहा है तो इस तरह से लोग क्या करते थोड़ा थोड़ा चेंज करके ज्यादा लोग अट्रैक्ट करते जो पहले वहां से सॉल्टेड लेना पसंद नहीं करते हो सकता है मैजिक मसाला लेंगे नंबर टू एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपने कभी कैडबरी सेलिब्रेशन देखा होगा देखा है वो सेलिब्रेशन का पैकेट होता है जिसके अंदर सारे कैडबरीज डाली होती तो कैडबरी सेम ही है पहले कैडबरी छोटा-छोटा अलग अलग मिलती थी पर कोई अगर मान लो राखी का त्योहार है तो आप किसी को ऐसा है कि तो अच्छा नहीं लगेगा तो उन्होंने क्या किया कि उन्हीं कैडबरीज को वही मार्केट में यानी कैडबरी सेम ही रखी है मार्केट इंडिया का रखा सिर्फ पहले जो अलग अलग कैडबरीज आ रही थी उसका एक बॉक्स बना दिया हो सकता है जो लोग पहले कैडबरीज देना पसंद नहीं कर रहे थे गिफ्ट बोलकर अब वो कैडबरी सेलिब्रेशन को देंगे क्या किया सेम प्रोडक्ट किया सेम मार्क किया थोड़ा चेंज करके यू आर एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स आपने कभी ऐसा भी देखा होगा बहुत जगहों पर कि थोड़ा थोड़ा चेंज करके लोग अपने प्रति लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं जैसे मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ एफ की और वो इंडिया में ही पढ़ा रहा हूँ तो आप बोलेंगे सेम ही प्रोडक्ट है सेमी मार्केट है पर पहले मैं ब्लैक एंड व्हाइट नोट से पढ़ा रहा था अब मैं कलरफुल और चार्ट वाले नोट्स लेकर आया तो क्या हुआ प्रोडक्ट है सेमी मार्केट है, थोड़ा चेंज करके अब मैंने उन लोगों को भी क्या बोलते इसको? So, लिखना चालू स्टार्टिंग से. आप सब लोग लिखना चालू करेंगे क्यों नहीं जाता ओके okay, लिखो वहां पे हेडिंग दो एंड सॉफ्ट हेडिंग दो एंड सॉफ्ट देखो इसका नाम है एंड सॉफ्ट एनएसओडबल एफ एंड सॉफ्ट मैट्रिक्स ये आपका एसएम का एक पहला कौन से पढ़ा रहा हूं आउट ऑफ दो फाइव चैप्टर्स ओके okay. सबसे पहला आपको कॉन्सेप्ट लिखना मार्केट पेनेट्रेशन लिखो हमें सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट प्रोडक्ट भी सेम ही है मार्केट भी सेम ही है सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स by making some small changes by making some small changes by making some small changes hmm example likho new flavor of lays new flavor of lays हम्म hmm. अब लिखो वहां पे कैडबरी सेलिब्रेशन कैडबरी सेलिब्रेशन कैडबरी सेलिब्रेशन ओके चलो ये बात आपको क्लियर हो गई अब मैं आपको समझा रहा हूं जिसका नाम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या समझा आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक ठीक है एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट है अब ध्यान से रखना पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसका यहाँ पे एक बार पढ़ो डायग्राम में क्या लिखा है इसका कहते हैं कि मार्केट सेम ही है एग्जिस्टिंग मार्केट है पर प्रोडक्ट नया है अगर मैं इसका एग्जाम्पल दू आपके सामने तो आपने कभी एम के फोन देखे होंगे या आपने कभी मारुति की कार्स देखे होंगे या आपने बहुत सारे होंडा और हीरो के या फिर बजाज की नई नई बाइक्स देखे होंगे ये लोग क्या करते हैं मार्केट इनका इंडिया ही है इसी मार्केट में नई 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 कार्स लेकर आएंगे जैसे एग्जाम्पल में यहां पर लिखता हूं मारुति कार्स आपने मारुति की कार्स कभी सुनी होगी इधर देख लीजिएगा आप बता सकते हो मारुति की कौन सी कौन सी कौन कार को आप जानते हो इसमें से ऑल्टो स्विफ्ट आर्तिगा इको वैगनर बेलिनो एस क्रॉस इग्नेस अपनी बहुत सारी कार्स देखी होगी मारुति की राइट right? मेरा एक सवाल है आप सभी से हम्म आप मुझे बताओ यहाँ पे जैसे एग्जांपल ये कौन सी कार है ये कौन सी है ये वाली चलो मैं आपको एग्जांपल एक एक दे रहा हूँ मारुति इग्निस मारुति कार्स में इग्निस को देखेंगे इधर देख लो ये इग्निस है हम्म ऐसे दिखती है राइट और इन्होंने इसके बाद में एक नई कार लॉन्च की जिसका नाम है सियाज कभी देखिए ये कार देख रहे हो क्या आप बोलते दोनों में बहुत फर्क है मार्केट इनका इंडिया ही है पर उन्होंने जो पहले इग्निस बेच रहे थे अब इन्होंने क्या करा एक नया कार लिखा जिसका नाम क्या है सियाज तो लोग क्या कह रहे एक नया प्रोडक्ट डेवलप किए फिर इतने से उनको शांति नहीं मिली इन्होंने ऐसी बहुत सारी कार लॉन्च कर दी एस क्रॉस को लॉन्च किया कभी सुना है एस क्रॉस एसक्रॉस नई दूसरी कार है तो ऐसा कभी सुना एक नया कार जिसका नाम है बेलिनो ये बेलिनो है यानी कि वो लोग क्या करते हैं इसी इंडियन मार्केट में अलग अलग टाइप की कार लॉन्च करके तुझे सियास पसंद नहीं आ रही कोई बात नहीं बलिनो ले लो बलिनो पसंद नहीं है एसक्रॉस ले लो कुछ भी करना पर हमारे पास ही रहना किसी और का मत बनना अगर हमारे ये पसंद है तो दूसरी लेके जा वो पसंद है तो तीसरी लेके जा ऐसे इन्होंने कार का पोर्टफोलियो बना दिया आप पता नहीं दे आर एबल टू रिटेन देयर कस्टमर्स बिकॉज नहीं किसको सियास पसंद नहीं वो बलिनो लेगा किसको बलिनो पसंद नहीं वो एसक्रॉस लेगा इसी तरह से दोस्तों बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट दे आर एबल टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स और यही स्ट्रैटेजी अपनाता है अपने होंडा होंडा बाइक्स देख लीजिए सुने हो कभी ये सारी होंडा की बाइक्स सर इतना सारा क्यों कर दे लोग ये होंडा की स्प्लेंडर आ गई आपके पास में कितनी सारी गाड़ियां लेकर आए लोग क्यों लेकर आते हैं बिकॉज ये गाड़ी से संतुष्ट नहीं तो दूसरी ले लो पर कुछ भी ले लो पर हमसे ही ले लो दे इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट ये थोड़ा चेंज नहीं करा फिर आप कहेंगे जो लेज ने भी एक नया फ्लेवर लॉन्च किया तो वो मार्केट पेनिट्रेशन कैसे हुआ क्यों बिकॉज बेटा गाड़ियां पूरी तरह से नई गाड़ियां है अगर मैं यहां पे अगर मैं देख अगर मैं उसकी बात करता हूं जो आपके शायद से आपको पता होगा रॉयल एनफील्ड की बाइक्स रॉयल एनफील्ड की बाइक्स अब जरा देखेंगे दोस्तों ये रॉयल एनफील्ड की बाइक जो है ना ये पूरी तरह से ये थोड़ा चेंज नहीं है ये पूरी तरह से अलग टाइप की बाइक से आपने इसका इंटरसेप्टर सुना होगा क्लासिक 350 सुना होगा आपने इसका थंडरबर्ड सुना होगा ये पूरी गाड़ी अलग होती है देखो ये इसकी क्लासिक वाला ये गाड़ी ये पुरानी सबसे पुराना मॉडल है उसका है। वो आपने कबीर सिंह में देखा होगा इसको ओए -ओए। फिर आपने इसी रॉयल ड को आपने ये देखो ये इनका ये शायद से इंटरसेप्टर है उनका ये देखो 350 दिख रहा है पे ठीक है ये देखो, इनके, इनके बहुत अलग बना दी है अलग बना दी है इसको ये थोड़ा चेंज नहीं है पूरी तरह से इनका मशीन इंजिन सब चेंज है अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर लेस का एक नया फ्लेवर आया तो वो क्या है वो मार्केट पेनेट्रेशन बिकॉज थोड़ा सा चेंज किया है ये थोड़ा चेंज नहीं किया है ये पूरा गाड़ी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ये मशीन चेंज हुआ है जब पूरी तरह से प्रोडक्ट चेंज हो जाए तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर कोई जब कोई नई चीज आए पर थोड़ा चेंज करके आए उसको कहते हैं मार्केट पेनेंट्रेशन समझ आ रहा है तो ये क्या है एग्जाम्पल आपके लिए दो एग्जाम्पल मिल गए कौन से कौन से एक मारुति एक रॉयल एनफील्ड समझ आ रहा है एवरीबडी चलो लिखो स्टार्ट करें हम्म hmm? लिखो प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेम मार्केट न्यू प्रोडक्ट सेम मार्केट न्यू प्रोडक्ट सेम मार्केट न्यू प्रोडक्ट एग्जांपल रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, थंडरबर्ड इंटरसेप्टर इनको और एक बाइक आता है वो उधर लद्दाख में चलाने के लिए हिमालयन जिसको ये नहीं चाहिए वो ले लो उसको वो नहीं चाहिए वो ले लो अब लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल मारुति वी आर हैविंग वन मोर एग्जाम्पल मारुति हम क्या क्या बाप। हम्म। क्या बा लिखा आपने मारुति का नेक्स्ट लिखो कौन सा एग्जाम्पल इसका आप लिखो सियास थी जिसको सियास पसंद नहीं है बैलून ले लो बैलून पसंद नहीं है एसक्रॉस ले लो वो पसंद नहीं है इग्निस ले लो वो पसंद नहीं है ऑल्टो ले लो अरे कुछ भी ले लो पर हमारे पास ही हो, वैसे आजकल टाटा ने भी अपना पोर्टफोलियो बहुत बढ़ाया है टाटा पंच सुना है टाटा ने तो कितनी गाड़ी लॉन्च की है आजकल आजकल टाटा ने तो माहौल बनाया मार्केट में टाटा ने कौन सी गाड़ी लॉन्च की अभी ये सुना है पंच पर पंच तो अभी लॉन्च किया उन्होंने ऐसा तो टाटा ने बहुत कुछ लॉन्च किया और कुछ बताएंगे टाटा की ये गाड़ी तो ना बहुत माहौल किया इंडिया में थोड़ा सा अलग कर दिया देखा एक नेक्सॉन बना दिया जो लोग नेक्सॉन इतना महंगा नहीं ले सकते उनके लिए पंच लॉन्च कर दिया फिर जो लोग बोलेंगे हमको थोड़ा सा ए टाइप चाहिए तो उनके लिए हर लॉन्च कर दिया ये क्या करते हैं आप समझ नहीं कुछ करें धंधा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हर एक प्रोडक्ट हर एक इंसान की औकात के हिसाब से अलग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और ज्यादा नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं हुं? तो चलो लिखो हम पे टाटा ता टाटा -ता। नेक्सॉन टाटा हैरियर हाँ ये गाड़ी एवी है मिस्टर भीम और कौन सा पंच आप बताएंगे ये कंपनी है जिन्होंने अपने कुरकुरे लॉन्च किए पहले अच्छा पहले यहां पे कर लेता हूं बालाजी ने पहले लॉन्च किया था क्रीम अनियन अब लॉन्च किया पेरी पेरी आप बताओ किसका एग्जांपल है ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है मार्केट पेनेट्रेशन है सोच के जवाब दीजिए अगर मैं यहां पर देखता हूं यह भी चिप्सी है और अगर मैं देखता हूं ये भी चिप्सी है क्या आप बता सकते हो ये प्रोडक्ट ये पहले उन्होंने कौन सा लॉन्च किया था क्या नाम है इसका क्रीम एंड अनियन, ये लॉन्च किया था अब बाद में पेरी पेरी लॉन्च किया ये पूरा एक नया प्रोडक्ट है यह सिर्फ थोड़ा चेंज किया हुआ है यह थोड़ा सा चेंज किया हुआ है यह कुछ नहीं पूरा बेसिकली जो पोटेटो वो सेम है प्रोसेस सेम ही है सिर्फ इसके ऊपर जो पाउडर रखा है वो अनियन क्रीम का रखा है ये पेरी पेरी रखा है ये थोड़ा सा तीखा हो गया बाकी बेसिकली प्रोसेस सेम ही है इसको कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन पर सोचिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो एचि कंपनी ने एक अपना कुरकुरे लॉन्च किया आप मुझे बताओ इसके बाद में अगर ये लॉन्च किया तो आपको ये नया प्रोडक्ट नजर आ रहा है क्या पेनिट्रेशन नजर आ रहा है क्यों दे 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 नहीं थोड़ा सा चेंज करने में ये बन गया होगा क्या ऐसा इसको थोड़ा चेंज किया ये बन गया ये सर ये और ऐसा कोई संबंध नहीं पूरा प्रोसेस ही अलग है ये कॉन्सेप्ट ही अलग है ये कुरकुरे जैसा दिख रहा है ये चिप्स है इसका कॉन्सेप्ट अलग है इसकी रेसिपी अलग है ये सब कुछ अलग चीज है इस कॉल्ड एस प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो ये ये जो चिप्स के बाद में जब आपके पास में कुरकुरे लॉन्च हो रहे है। आप जानते हो कौन से कंपनी से बिलोंग करते हैं लेस और कुरकुरे देखते हैं आप में से किसको नॉलेज ज्यादा है कौन से कंपनी का लेज सर तो हम लोग सिर्फ खाने से मतलब रखते हैं एग्जैक्टली के में कोई मतलब नहीं कौन से कंपनी का बुलाऊंगा हमें भूख लगती है हम खा लेते हैं हमें तो पता भी नहीं किसकी है बोलो भाई पेप्सी नाम सुनोगा पेप्सी कमाल करते हो <laughs> ये पेप्सी कंपनी के बारे में सुना होगा आपने हम्म पेप्सी ये पेप्सी कंपनी तो है सर क्या बात कर रहे हो हु? हम्म देखो सर मतलब क्या चीज है ये पेप्सी को है लेस किस ब्रांड का है ये पेप्सिको है और आप सभी लोग जानते होंगे चलो मैं एक काम करता हूं पेप्सिको विकी के पास जाता हूं और देखता हूं क्या क्या बनाता है क्या बनाते हैं? कौन से कौन से प्रोडक्ट बनाते लोग ये यह पेप्सिको यही सब प्रोडक्ट बनाता है ये मैं काम करता हूं इसको और भी पूछता पेप्सी प्रोडक्ट ये सब देखा है अच्छा ओके किधर गया भाई दिख रहा है क्या लेस दिख रहा है में कुरकुरे कुरकुरे इधर देखो यही है ब्रेप्सिको भी दिख रहा होगा आपको कुरकुरे भी दिख रहा होगा अब बताओ लेज का नया फिर पेप्सिको ने लाया तो पेप्सिको ने क्या किया मार्केट पेनिट्रेशन किया जब उसने बहुत सारा चिप्स का मार्केट कैप्चर किया फिर उसने कुरकुरे लॉन्च किया तो फिर क्या हुआ तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ तो सारी कंपनीज ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कंपनीज को फॉलो करती हैं इसलिए इतना आगे बढ़ती है लिखिए वहां पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पहला एग्जाम्पल लिखा ना आपने दो एग्जाम्पल लिख दिए अब लिखो कुरकुरे आफ्टर लेस ओके और कौन सा नेक्स्ट ओके द क्वेश्चन मार्केट डेवलपमेंट इधर देखिए क्या लिखा है इसमें क्या सेम है और क्या नया है सेम क्या है इसी प्रोडक्ट को अगर मैं नई जगह पे लॉन्च कर दूं, नई जगह पे बेचूं तो उसको कहेंगे मार्केट डेवलपमेंट प्रोडक्ट सेम ही होगा जैसे एप्पल फोन का, का है यहां का है नोएडा में बंद होगा बनता तो यूएस में है ना बेचते तो इंडिया में क्या किया नया फोन लाया क्या नया मार्केट लाया सेम ही फोन है वैसा ही फीचर है यूएस में भी वैसे चलता है सिर्फ उन्होंने नया मार्केट लॉन्च किया अभी टेस्ला का नया ऑफिस को लाइप पूना में मालूम है सुना क्या नहीं सुना ये देखो, टेस्ला इन इंडिया आपको पता है टेस्ला आ रहा है इंडिया में क्या लिख रहा है क्या कर रहा है वो नहीं क्या अगर वो लाए तो क्या बोलेंगे आप मार्केट है सेम कार लाएगा उधर जो है वो सिर्फ इंडिया में आके वो जब बेचेगा जिस तरह से वॉलमार्ट उधर था इधर इंडिया में आ गया जैसे हमारे बाबा रामदेव है पतंजलि है ये अपना जो अपना जो घी है कि बांग्लादेश में बेचते हैं बाबा का घी कहाँ बिकता है बांग्लादेश में बाबा का घी कहाँ बिकता है युगांडा में तो बाबा क्या कर रहे हैं मार्केट डेवलप कर रहे हैं ऐसा आपने जाना होगा कई सारे कंपनीज़ है अभी इंडिया की बॉलीवुड की मूवी उधर चाइना में रिलीज होती है जानते हो आप इंडिया की मूवीज आजकल फॉरन में रिलीज होती है क्या कर रहे हैं मार्केट डेवलप कर रहे प्रोडक्ट सेम ही होगा सेम प्रोडक्ट अगर नई जगह पे लॉन्च हो रहा है जैसे एसपीसी पहले पुणे में था अब दिल्ली में भी खुल रहे अभी चेन्नई में भी खुल गया कोलकाता के लोग भी देखते हैं यानी क्या क्या मार्केट डेवलप किया जब सेम प्रोडक्ट हर जगह पे बिकता है अलग अलग जगहों पे बिकता है नई जगहों पे बिकता है उसको बोलते हैं मार्केट डेवलप समझ आ रहा है टू नो अब जानते हो इधर देखिए इधर देखिए इधर देखो विकीपीडिया से पूछता हूं मैं अपने कभी मैगडी सुना है जानते हो कितने कंट्री में ऑपरेशन चलता है इसका 100 क्या लिखा है यहां पे देखो वही मैगडी का मैकवेजी वही बर्गर वो एक यूएस में बनाते बनाते आज पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं क्या किया उन्होंने मार्केट डेवलप किया मैं एक बार बहुत खुश हुआ मैं गया था मॉरिशियस और मॉरिशियस में मैंने टाटा इंडिगो दिखाई टाटा इंडिगो हालांकि कार बहुत अच्छी नहीं थी पर मैं देखकर बहुत खुश हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि ना किसी फिरंगी लोग इंडिया में आते इंडिया के लोग भी तो बाहर जाते हैं क्या कर रहे हैं वो मार्केट डेवलप कर रहे हैं और मुझे लगता है मार्केट डेवलप करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हर अगर मेरा प्रोडक्ट एक ही जगह पे तो मेरी डिपेंडेंसी उसी जगह पे हो जाएगी मार्केट डेवलप करने से आपको नई जगह का कस्टमर भी मिलता है तो लिखो एग्जाम्पल आपने देखा नहीं होगा देखो ये सबसे बड़ा मार्केट डेवलपमेंट दिखा कुक इन टू हंड्रेड कंट्रीज देखो इससे बड़ा मार्केट डेवलपमेंट मैंने कभी देखा नहीं किसी का ये जो कोका कोला पीते हो ना ये 200 से ज्यादा कंट्री में बिकता है कोका कोला तू लिख दो example, Next, in है मार्केट डेवलपमेंट का एग्जाम्पल कोका कोला टू कंट्रीज मैकडोनल्ड्स वन कंट्रीज नेक्स्ट टेस्ला इन इंडिया ये सब मार्केट डेवलपमेंट के एग्जाम्पल है अच्छा वैसे मार्केट डेवलपमेंट किसको बोलते हैं लिखो इसके लीजिए सेम प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट सेम प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट को कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है प्रोडक्ट भी नया मार्केट भी नया ये एक अलग ही चीज है प्रोडक्ट भी नया मार्केट भी नया अब देखो एग्जांपल लेते एग्जाम्पल सुनो ध्यान से मुझे बताओ मुझे बताओ टेस्ला ने ट्विटर को लॉन्च किया टेस्ला क्या बना था कार बना था क्या लिया ट्विटर कोई संबंध है नया प्रोडक्ट है क्या नहीं और नई मार्केट भी है कैसे नहीं यानी कि जरूरी नहीं कि जो लोग कार बाय करते वो सारे के सारे ट्विटर पे दोनों के बायर से अलग है प्रोडक्ट तो नया है ही मार्केट बना एग्जाम्पल देता हूं किंगफिशर क्या बनाता दारू क्या लॉन्च किया एयरलाइन अब नया प्रोडक्ट तो है है क्या जरूरी है कि जो लोग दारू पीते हैं वही हवाई जहाज में उड़ेंगे दोनों का मार्केट भी अलग है मार्केट डज नॉट बीन ओनली जोग्राफिकल मार्केट में दोनों क्यों कौन से लोग उसको यूज करते हैं तो जो कंपनी किंगफिशर दारू बनाती है अगर वो एयरलाइन बना रही है तो मतलब नया प्रोडक्ट तो है ही प्रोडक्ट तो नया है ही पर मार्केट भी नहीं है क्योंकि जो लोग दारू पीने वाले जो ग्राहक है जरूरी नहीं कि वही सारे लोग उड़ते होंगे वैसे भी जो लोग दारू पीते हैं उनको अलग से उड़ाने की जरूरत क्या है बात तो सही है यानी प्रोडक्ट तो नया है ही और मार्केट भी नया है बिल्कुल अलग है आप जानते हैं आईटीसी आईटीसी सिगारेट तो 80 परसेंट इंडिया में जो सिगरेट बनाने वाली कंपनी कौन है आईटीसी जो लोगों को कैंसर दिलाती है और यही आईटीसी सिगारेट से पैसे कमाके 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 क्या बनाती है डार्क फैंटेसी क्या बनाती है आशीर्वाद आटा सनफिश बिस्कुट आपने कभी सुनोगा ये सारे प्रोडक्ट आपने आईटीसी की होटल सुनी होगी आई आईटी आई टी, टी कंपनी सुनी होगी या नहीं कोई सिगारेट बना रहा है वो एक नया प्रोडक्ट बना रहा है आशीर्वाद आटा क्या जरूरी है दोनों के कस्टमर के अरे सुट्टा पीने वाले लोग अलग है आट्टा खाने वाले लोग अलग है प्रोडक्ट तो नया ही मार्केट भी पूरी अलग है आर एबल टू अंडरस्टैंड अरे मेरा सवाल है कि जो लोग फूकते हैं और जो आटा लेने जाते हैं दोनों में फर्क है ना मतलब आटा तो जनरली महिलाएं लेने जाती होंगी फूकने वाले लोग तो जनरली आप जानते हो कौन से लोग होते हैं तो मेरा सवाल है क्या जब कोई कंपनी कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करती है जिसका कोई संबंध पहले वाली से नहीं होता एक कुछ अलग ही लेकर आते हैं अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं मैं पहले यहां पे एफ एम एस एम पढ़ा रहा था अब मैंने लॉ पढ़ाना चालू किया जैसे पहले शुरुआत जब एसपीसी ने चालू थी तो एकदम एफ एम एस एम से स्टार्ट की थी फिर धीरे धीरे -देल करते ऑडिट लॉन्च हुआ फिर अकाउंट्स लॉन्च हुआ फिर लॉ लॉन्च हुआ ये सब क्या है ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या डाइवर्सिफिकेशन है ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है सोच के बताना सब्जेक्ट नया हुआ है मार्केट नया नहीं है क्यों पता है वही स्टूडेंट जो एफ एम एस एम पढ़ा रहा है उसी स्टूडेंट को मैं ऑडिट बेच देता हूं उसी स्टूडेंट को मैं लॉ बेज देता हूं तो मार्केट क्या हुई मार्केट सेम हुई और प्रोडक्ट क्या हुआ नया हुआ इसको बोलेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर एसपीसी ने अब चालू कर दिया एयरलाइन एसपीसी एयरलाइन अब बताओ क्या है क्यों मतलब नया प्रोडक्ट है मेरा पर कोई कस्टमर जरूरी नहीं कि ओनली सी स्टूडेंट ही हवा में उड़ेंगे कोई भी उड़ सकता है मार्केट तो पूरी नहीं होगी समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं इसी तरह से अब मैं आपको एसपीसी के चार एग्जाम्पल था बताऊं एसपीसी ने एसपीसी ने एफ एम एस एम सब्जेक्ट ही बेचा पहले पूना में बेच रहे थे अब दिल्ली में बेच रहे तो क्या होगा चारों में से प्रोड़। सेम प्रोडक्ट है पर नई मार्केट है तो क्या बोलेंगे मार्केट डेवलपमेंट एसपीसी एफ एम एस एम बेच रहा था अब सी एंटर के बच्चों को बेच रहा है उंट्स लॉ ऑडिट तो क्या बोले प्रोडक्ट डेवलपमेंट बन गया एफ एम एस ए में बेच रहा है ओनली पुना में ही बेच रहा और सिर्फ थोड़ा सा सब्जेक्ट के अंदर का जो किताब है उसको कलरफुल बना दिया ब्लैक एंड व्हाइट किताबों को थोड़ा सा अलग बना के ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट है सेम प्रोडक्ट ही है पुना में ही बिक रहा है पूना में ही बिक रहा है एफ एम एस ए में बिक रहा है सेम ही प्रोडक्ट है।, है सेम ही मार्केट है थोड़ा सा किताबों में चेंज करके क्या बोलेंगे इसको पेनिट्रेशन और एसपीसी एयरलाइन के बिजनेस में आ गया क्या बोलेंगे इसमें से नया प्रोडक्ट है नया प्रोडक्ट है पर मार्केट भी नया है तो क्या बोलेंगे उसको डाइवर्सिफिकेशन चारों का डिफरेंस समझ रहा है तो लिखो डाइवर्सिफिकेशन के लिखो न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट एग्जाम्पल आई क्या लॉन्च किया आई ने आई टी सी सिगारेट डैश अब सिगारेट में दे अब क्या लाया ला आटा कोमा डार्क फैंटेसी कुछ तो नई चीज़ लाई प्रोडक्ट नया है पर मार्केट पूरा नया है सोट्टा पहने वाले लोग अलग होते हैं डार्क फैंटेसी वाले अलग होते हैं तो और एक एग्जाम्पल देखो देखो किंग फिशर लिकर मेनली दारू का काम करती है क्या लॉन्च कर दिया एयरलाइंस लॉन्च कर दिया जो बंद हो चुकी है प्रोडक्ट तो नया है ही मार्केट नया है बिकॉज जरूरी जो फूकते हैं वही हवा में उड़ते होंगे जो पीते हो वही हवा में उड़ता है बिल्कुल अलग है समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट ओवर एवरी वन डिड ऑल अंडरस्टैंड समझ आया आपको मैं क्या बोल रहा था तो चार चीजें एक बार दोस्तों आज के लेक्चर खत्म होने से पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं एवरी वन प्लीज कॉन्सेंट्रेट ना कॉन्सेंट्रेट एवरी वन आप बताएंगे आज हमने चारों कॉन्सेप्ट पढ़े आप बता दो मैं किसकी बात कर रहा हूं सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट थोड़ा सा चेंज किया आपने आपने लेस के अंदर का सिर्फ फ्लेवर चेंज किया जल्दी से बताओ ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये क्या है ये सेम ही है सब कुछ सेम है सिर्फ इसका थोड़ा सा ऊपर बनने के नाइनटी फाइव परसेंट दोनों चीजें सेम ही है सिर्फ इसका मसाला चेंज हुआ बोलो क्या है ये पेनिट्रेशन है और मुझे दूसरा एग्जाम्पल दो और अगर मैं आपको ये बताओ ये क्या है मेरा ये था अब ये हो गया ये मेरा लेस था लेस कुरकुरे आ गया ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया आप मुझे बताओ सेम प्रोडक्ट है अभी मेरा सेम है एप्पल मैंने यूएस में बनाया एप्पल वही एप्पल मैं इंडिया में बेच रहा हूं ये मार्केट डेवलप हुआ या प्रोडक्ट डेवलप हुआ मेरे पास में सेम वही है जैसे एग्जाम्पल हल्दीराम आलू भुजा से बेचता है अब वही आलू भुजा यूएस में भी चलती है तो क्या बोलेंगे आप ये मार्केट डेवलपमेंट हुई वॉलमार्ट यूएस में भी है वही वॉलमार्ट इंडिया में खुल गया ये मार्केट डेवलपमेंट हुई समझ आ रहा है एवरीबॉडी बोलो बोलो भाई कोका कोला जो यूएस में बिकते हैं वो इंडिया में बिक रही ये मार्केट वो और नया प्रोडक्ट है और नई मार्केट है दोनों भी नया है तो क्या बोलेंगे यानी कि जैसे एग्जाम्पल किंग फिशर दारू वाला अब एयरलाइन बेच रहा है प्रोडक्ट तो नया है ही पर दोनों की मार्केट ही अलग है क्योंकि दोनों के ग्राहक पूरी अलग है एसपीसी ने एयरलाइन लॉन्च किया ये पूरी तरह से डाइवर्सिफिकेशन आई होप आपको सब समझ आ रहा है तो इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है इस कॉन्सेप्ट का नाम है एनसॉफ

एंड uh, उसके बाद में पांच बजे हर्ष का ऑडिट का लेक्चर भी है राइट तो ये ऑडिट का लेक्चर और ये जो एस का लेक्चर है ये इनकी और एक बैच एक दिसंबर को भी होने वाली है तो जिन लोग को जल्दी से अपना सिलेबस खत्म करना है उनके लिए खास ये लेक्चर्स लाइव स्ट्रीमिंग और गूगल ड्राइव दोनों के माध्यम से यहाँ पे कंडक्ट किए जा रहे हैं हाँ जो लोग गूगल ड्राइव में हैं उनको ये लेक्चर दो घंटे बाद

because sm subject is going to be very very interesting very very rocking thank you so much guys take care bye bye thank you